मैम बस सिर्फ ये बता दीजिए परमिशन कहाँ से मिलेगी। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ अंदर घुस के वॉश बेसिन वगैरह पे हाथ धोते हैं ये लोग, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक यहाँ से शिफ्ट नहीं किया, चला जाता ये है। तो गलत है, किसी किसी घर में हाथ ना धोए। मेरे को भी अच्छी दवाई मिली, मेरे को भी अच्छा सुध मिला, मेरे भी चोट वोट लगी थी। पुलिस भी यहाँ आई है, रिकॉर्ड में है, और जिससे मैं इतना परेशान हूँ, किसी गरीब आदमी को अगर मैं कहता हूँ तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ सुबह। जिस तरीके से दिल्ली सरकार आए दिन अपने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर नए नए दावे ठोकती है, उसकी तारीफों की जो एक चेन है वो बनाती है और बताती है कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो मोहल्ला क्लिनिक को कहीं ना कहीं गलत बताती है, और उनमें बताया जाता है कि कहीं दवाइयां नहीं मिलती है या फिर कहीं पर अच्छी तरीके से केयर नहीं होती है। मैम बस सिर्फ ये बता दीजिए परमिशन कहाँ से मिलेगी, परमिशन कहाँ से मिलेगी। एक सेकेंड क्या, हाँ जी ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं अंदर, उनका कहना है कि बिना परमिशन हम आपसे बात नहीं करेंगे, बिना परमिशन हम आपको यहाँ की हकीकत नहीं बताएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या चलता है, किस तरीके से दवाई दी जाती है। अधिकारियों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि जो नांगल राय में हमारा जो कह सकते हैं जो प्रशासन वहाँ पर बैठता है, उनसे आप परमिशन लेके आइए, उनको पहले बताइए कि आज हम आपके मुनीर का मोहल्ला क्लिनिक में जाने वाले हैं, आप हमें बताएंगे तो वो हमें बताएंगे कि आज जो पत्रकारिता की जो टीम है, जब प्रेस डिपार्टमेंट है, वो आपके मोहल्ला क्लिनिक में आने वाला है। तो इससे पहले जो जो गलतियां आप लोग करते हैं या फिर जो जो चीज़ें हैं जिनको छुपाया जा सके, उन्हें जल्दी से छुपा दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव टोकस है। हाँ जी, मैं मोहल्ला क्लिनिक के बिल्कुल साथ में रहता हूँ जी। और यहाँ जब मोहल्ला क्लिनिक खोला गया तो ये केजरीवाल जी ने फर्स्ट मोहल्ला क्लिनिक खोला था, और ये वादा किया था ये बड़ा कंजेस्टेड जगह के अंदर है, इसको यहाँ से जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट देखो कितना टाइम हो चुका है, आज तक शिफ्ट नहीं किया। मैंने इसमें गांव समाज भी इकट्ठा किया, पुलिस भी यहाँ आई है, रिकॉर्ड में है, और इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक यहाँ से शिफ्ट नहीं किया। जिसमें कि मैं फर्स्ट कोरोना जब हुआ था तब मैं खुद इन्फेक्ट हो गया था यहाँ, और मैंने हाथ जोड़ के किया था कि इसको शिफ्ट करा दो, अच्छी चीज़ है, बट यहाँ मेरे घर के नज़दीक ना करें। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ अंदर घुस के वॉश बेसिन वगैरह पे हाथ धोते हैं ये लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा यहाँ तक 50 लोग 100 लोग सुबह वेटिंग में बैठ जाते हैं, और जिससे मैं इतना परेशान हूँ, किसी गरीब आदमी को अगर मैं कहता हूँ तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं, कह रहे बाबूजी इलाज कराने के लिए आए हैं, आप हमें डांट क्यों रहे हो। तो लोग आपके वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं अंदर घुस के, कहते हैं ठीक है गलती होगी। ये देखो मैंने कैसे रास्ता रोका हुआ अपने घर का, मेरे को कोई शौक नहीं है ये लगाने का। मैं अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ सुबह, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने कहा था ये अच्छी चीज़ है तो इसको बाहर खोलिए, या वैन के थ्रू चलाइए इसको, या कहीं अच्छी जगह जहाँ पे पार्किंग की समस्या है। यहाँ लोग सब स्कूटर मोटरसाइकिल ला के मॉर्निंग में लगा देते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ना मेरी गाड़ी निकल पाती है यहाँ से। मेरे जो रेंट पे आप जाके देख सकते हैं सारा मकान खाली है इस टाइम, लोग लगा हुआ आप ऊपर से दिखा सकते हैं पिक्चर से। इसी वजह से कि यहाँ लोग सारे बीमारी वाले लोग आते हैं, हम लोग यहाँ मकान नहीं लेंगे। मेरा मकान देख सकते हैं पूरा लोक है ऊपर से। आपको क्या है मोहल्ला क्लिनिक से कुछ मतलब सुविधाएं मिल रही है? हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक से मुझे पूरी सुविधाएं मिल रही है। जब भी रहते कहाँ? मुनीरका में रहता हूँ। मुनीरका में कहाँ पर? मुनीरका मैं पहाड़ी पार्क के पास रहता हूँ। अब जैसे इन भाई साहब की ये शिकायत है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो हमारे एरिया में खोला गया, कोई बुरी बात नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि जो उनको सुविधाओं मतलब जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो ये कि जो मरीजों की लाइन है वो वहाँ से लेकर ठीक वहाँ तक जो लाइन लगी रहती है, लेकिन जो मरीज है, अब कोई किसी बीमारी का मरीज होता है, कोई कोरोना वायरस है कुछ भी है, तो वो उनके घर में आकर हाथ धो के चला जाता है। ये तो गलत है, किसी घर में हाथ ना धोए, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा है कि हाथ वो बंदे से कैसा पेशेंट है कैसा नहीं है, ये तो किसी घर में तो रॉन्ग है कि किसी घर में हाथ धो रहे हो, ये गलत है। तो आपको लगता है कि जो ये जिस इलाके में जो ये मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है इसको यहाँ से हटा कर या कोई अच्छी जगह पर शिफ्ट करा जाए या कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि उनको अगर बोला गया है या चाहे कहीं
कहीं और जगह मिल रही है तो इनको करना चाहिए था कि कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे बड़ी जगह पे हो, जाके थोड़ा जगह हो, स्पेस हो, तो वहाँ पे कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मगर मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह हो, कि अभी फर्स्ट यहीं पे खुला है तो शुरू से जब से हम यहीं पा रहे हैं और कहीं नहीं जाते, कि हमें यहाँ मालूम है कि यहाँ पे मोहल्ला। आप दवाई वगैरह लेकर आ रहे हैं, टाइम से दवाई वगैरह मिलती है? हाँ जी, हाँ जी मिलती है। तो आपको यहाँ से सुविधा है? हाँ जी। ठीक है, और आपको क्या तकलीफ है? आपका मास्क है, तकलीफ क्या है आपको? मेरे को भी अच्छी दवाई मिली, मेरे को भी अच्छा सुध मिला, मेरे भी चोट वोट लगी थी लेकिन दवाई है थोड़ी अच्छी मिलती है। नशा वगैरह करते हो? नहीं, नशा नहीं करते। तो ये क्या रखा हुआ है जिम में, क्या है? ये दवाई ली थी कल मैंने मोहल्ला के लिए। अच्छा, ट्यूब है ये देखो। अच्छा, अच्छी है दवाई, लेकिन वही बात है, गरीब आदमी आते हैं मास्क वास नहीं लगाते, वही दिक्कत है थोड़ा। आपने भी नहीं लगा रखा मास्क? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं तो अभी जा रहा था ना, अभी जा रहा था। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क इसलिए, अभी रूम पे अभी जाऊंगा, लगा लूंगा। तो यार कहीं भी दवाई लेने जा रहे तो बिना मास्क के तो देख सकते हैं कि लोग जो है वो लापरवाही भी कर रहे हैं, मास्क को नहीं लगा रहे हैं, और फिर दोष दिया जाता है सरकारों को कि सरकार इस कोरोना महामारी को रोक नहीं। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना ये है कि मोहल्ला क्लिनिक बनना, मोहल्ला क्लिनिक खुलना बहुत अच्छी बात है, सरकार लोगों की मदद कर रही है, उनसे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात से परेशान हैं कि जो लंबी लंबी लाइन इस गली में लग जाती है, यहाँ पर बहुत सारी स्कूटर्स खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियाँ आकर खड़ी हो जाती है दिखाने के लिए, इलाज के लिए। और जो इन भाई साहब का कहना है, भाई साहब का कहना ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है अपने घर का गेट बंद करने का, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि लोग मेरे यहाँ पर एक वॉशबेसिन बना हुआ है उसमें आकर हाथ धोते हैं। पिछली बार जब कोरोना वायरस आया, लोगों ने हाथ धोया, मैं सबसे पहले संक्रमित हुआ। आपकी क्या राय है इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। मैं साहिल यादव, कैमरामैन नितेश के साथ, मोहल्ला क्लिनिक मुनीर का।